रेलवे पुलिस फोर्स की एक बड़ी कार्रवाई। छपिया रेलवे स्टेशन के अधीक्षक गिरफ्तार। अधीक्षक पर अवैध रूप से सरकारी पेड़ कटवाने और बेचने का है आरोप। बस्ती की रेलवे पुलिस फोर्स ने छपिया रेलवे स्टेशन के अधीक्षक दिलीप कुमार वर्मा को स्टेशन परिसर में चोरी छिपे पेड़ काटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कल उन्हें गोरखपुर स्थित रेलवे के कोर्ट में हाजिर किया गया। अधीक्षक पर अपने भाई व दो अन्य लकड़ी माफियाओं की मिली भगत से स्टेशन परिसर में ही दर्जन भर शीशम के पेड़ कटवाने का आरोप है। 8 फरवरी को बस्ती गोंडा रेलखंड स्थित स्वामी नारायण छपिया स्टेशन भवन से महज 50 मीटर दूर वन माफियाओं ने तकरीबन 2.5 लाख रुपए की कीमत के दर्जन भर शीशम के पेड़ धराशायी कर दिए थे। इन पेड़ों को लगभग 15 किलोमीटर दूर स्टेशन अधीक्षक दिलीप कुमार वर्मा के मूल निवास तेजपुर हथनी खास खोराड़े व मस्करवा स्थित बाग में छिपाया गया था। बस्ती के आरपीएफ इंस्पेक्टर नरेंद्र यादव की टीम ने 17 फरवरी को छापेमारी के दौरान लकड़ी के बोटे को बरामद कर लिया था और मौके से शिवम निवासी छपिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। शिवम स्टेशन अधीक्षक दिलीप वर्मा का रिश्ते में भाई है। जांच पड़ताल में पता चला कि इस पूरे प्रकरण में स्टेशन अधीक्षक दिलीप कुमार वर्मा ही मुख्य किरदार निभा रहे हैं। जिनके उजाले में पेड़ काटे जाने को लेकर दिलीप ने आसपास के लोगों को गुमराह करके ये कहा था कि वन विभाग व रेलवे की सहमति से ही पेड़ कटवा रहा हूँ।